नो नो थोड़ा आगे बोलो जाओ इधर स्टार्ट फ्रॉम यहां पूजा या पूजा जी नाम लिखो सेंटर लेफ्ट कॉर्नर पूजा जी यहाँ पे एक है मैम आई वॉच दिस टाइम बिग बॉस Okay, so I have been actually here since August, since it opened, and I was really excited. I saw it before, obviously, in July, and I was very excited for it to start. I've been working out since the age of 15, I think, and so it's been a long, long time and a lot of gyms, and it's a fabulous gym. I love the space. I love the fact that the trainers also give you your space and they don't just kind of impose on you. The equipment is like, you know, the first day I came here, I was just like, I didn't want to touch anything because everything looks so brand new. Everything looks so brand new. It's like, oh, so it's fab. I like the fact that, you know, there's the whole COVID protocols as well. So it's being sanitized often. And it's a good space. You know, sometimes when you go to certain gyms, it's like, you know, something feels off sometimes in the vibe or anything, but it's nice. It makes me want to come here for sure. Thank you. कैसे आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मतलब फैमिलियर थोड़े फेसेस देख के ना नहीं तो फिर सिर्फ एयरपोर्ट पे फोटोग्राफर से मुलाकात होती है बट वो भी इतना फेस दिखता नहीं है अभी आए रिकग्नाइज एक दो जन और आपको पहचाना अच्छा लग रहा है तो नॉर्मल लग रहा है दो साल से तो Let's not even talk about that. It's so bad. Experience बहुत ही अच्छा था. In fact, UFC international chain है brand. एंड मैं ये जिम एक महीना पहले आई थी देख कर गई थी आई वॉज लाइक वाओ आई विश ये मेरे घर के थोड़ा पास होता क्योंकि मैं यहाँ से बहुत दूर रहती हूँ तो हाँ या यू नो वेयर आई लिव सो आई लिव रियली फार मतलब जितना वर्कआउट नहीं होगा उससे ट्रिपल टाइम आने जाने में लग जाएगा मुझे सो दैट्स अ सैड पार्ट बट आई लव द जिम इवन द ट्रेनर्स द कोचेज दैट दे हैव सब इंटरनेशनल बाहर के कोचेज हैं एंड देयर मशीन्स आर ऑफ एज द स्पेस दैट देव गिवन इज अमेजिंग And the interiors and everything is fantastic. So I really like, in fact, outdoor training ki jagah hai upar. Toh matlab, ek, main fitness enthusiast hoon. I love to train and, you know, I'm heavily into gymming and everything. Toh matlab, this is like a candy store. So I just feel bad. Kaashi mere ghar ke paas hota. But for everyone who's working out here, they have like the best of everything. है ना मैंने बोला हुआ है प्लीज खोल दो तो उन्होंने कहा इसके बाद हम वही खोलेंगे बोला प्रॉमिस तो किया है इन्होंने मुझे हाय मुझे ना एक चीज रोज करने में बहुत बोर हो जाता है मैं सिर्फ जिम में नहीं ट्रेन कर सकती या सिर्फ फंक्शनल नहीं कर सकती तो आई कीप वेरिएटिंग अभी रिसेंटली मैंने टेनिस खेलना सीखा है सो आई मीन सीख रही हूँ चार क्लासेस हुए हैं नॉट टू मच बट आई लाइक द वेरिएशंस एंड इवन बॉडी को स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए एक ही चीज़ तरह की अगर एक्सरसाइज किया तो वो मसल्स यूज टू हो जाते हैं सो आई लव अ वेरिएशन एंड मेरी फिटनेस जर्नी मिस इंडिया से शुरू हुई थी मिस इंडिया मिस वर्ल्ड तो जब इंडिया के बेस्ट फिटनेस एक्सपर्ट्स आपको ट्रेनिंग देते हैं
आपके बॉडी के बारे में, आपके फूड के बारे में, आपके एक्सरसाइज के बारे में, तो आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी डेप्थ में नॉलेज मिल जाती है. सो यू अंडरस्टैंड योर बॉडी अलॉट. और हम एक्टर्स, हमारा ऐसा है ना कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वी शुड चेंज आर बॉडी अपियरेंस लुक. और मैं वही करती हूँ. कमांडो में अलग है, अयारी में अलग है, आउच में अलग है, ये बबलू बैचलर में अलग थी, जहाँ चार यार में अलग है. सो लकीली बिकॉज आई नो हाउ टू ट्वीक थिंग्स, आई एम एबल टू डू इट. तो फिटनेस मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. क्योंकि आप टेनिस सीख रहे, तो ऐसा मानिए कि किसी टेनिस प्लेयर के ऊपर ऐसी बायोपिक क्या कुछ करने वाली है, ऐसा कुछ डिफरेंट या स्पोर्ट्स के ऊपर ऐसा कुछ? आई वुड लव टू, बट ये मैं टेनिस सिर्फ अपने शौकिया तौर पर सीख रही हूँ, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग, बट आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू. सो इट्स रियली एक्साइटिंग. और घर के नीचे ही कोर्ट है, तो सुबह 7 बजे उठ के नीचे चले जाओ, 1.5 घंटा सीखो. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. यार जिस दिन महाराष्ट्र में थिएटर्स खुले थे 22 अक्टूबर, उसी दिन मेरी फिल्म रिलीज, मतलब दे रिलीज्ड बबलू बैचलर. बट इतने ज़्यादा लोग नहीं गए, विच इज़ द सैड पार्ट. अभी भी बहुत कम लोग जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है. बट ऑनेस्टली आई थिंक थिंग्स शुड पिक अप. आई एम होपिंग थिंग्स शुड पिक अप. बबलू बैचलर भी 22 अक्टूबर को आई, और नेक्स्ट फिल्म फेब्रवरी में आएगी, जहाँ चार यार, उसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो बबलू बैचलर वॉज अ रॉम कॉम. मैं जर्नलिस्ट अवंतिका का इंडिपेंडेंट गर्ल प्ले कर रही थी. और मेरी लाइफ में, मेरे एंटायर करियर में, मैंने आज तक ऐसा किरदार नहीं निभाया है जो मैं जहाँ चार यार में करने वाली हूँ. मैं एक ठेठ, वो कहता ना ठेठ गांव की लड़की, जो सुबह उठ के गाय को चारा देती है और मुर्गियों को खाना खिलाती है, मतलब वैसी लखनवी मुस्लिम लड़की. तो ये मैंने कभी किरदार नहीं निभाया है. दिस इज़ एन अमेजिंग 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 स्टोरी. चार लड़कियाँ हैं, मेहर, शिखा, स्वरा और मैं. और विनोद बच्चन इज़ प्रोड्यूसिंग इट. सो इट्स अ स्पेक्टैक्युलर स्क्रिप्ट एंड इट्स कम आउट ऑल्सो वेरी वेल. हमने ये कोविड में इसको शूट किया है. उसका लहजा सीखा. हमारे डायरेक्टर का ये मानना था, मुझे ठेठ वाली लैंग्वेज सीखनी थी, बट उसके इतने वर्ड्स मुश्किल होते हैं दैट यू कांट कैच. अगर यूपी के ठेठ, आजमगढ़ का अगर कोई आए और अगर आपसे पूछे, आपसे वार्तालाप करे, तो आप वर्ड्स नहीं समझ पाएंगे. तो अनफॉर्चुनेटली हम वो ठेठ भाषा यू नो फिल्म में नहीं यूज़ कर पाए, बट उसका लहजा हमने ज़रूर यूज़ किया. मैंने बस उनको अभी अभी बताया कि यूएफसी में खास बात, आई थिंक